वेलकम टू शॉर्ट फ्लिक्स। आज हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम थ्रिलर मूवी गर्ल इन द बेसमेंट। स्पॉइलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में एक कार रस्ते से जा रही होती है जिसमें एक बीमार छोटी बच्ची मैरी, उसकी माँ सारा और सारा के पिता डॉन होते हैं। ये कार सीधे अस्पताल में जाकर रुकती है। डॉन सारा को किसी चीज को लेकर चुप रहने के लिए कहता है। मैरी को ICU में भर्ती किया जाता है। उसके बाद सीधे 20 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता यानी डॉन और आयरीन के साथ डिनर कर रहे हैं। तभी सारा वहां से जाने के लिए उठती है। डॉन के पूछने पर वो बताती है कि आज रात उसे एक पार्टी में जाना है। डॉन अपने घर वालों के साथ काफी सख्त है। वो सारा को पार्टी में जाने से मना करता है। सारा अपनी माँ से कहती है कि उसने उन्हें पहले ही इसके बारे में बता दिया था और वो मान भी गई थी, पर इस बार वो भी सारा को डॉन की बात मानने के लिए कहती है। पर सारा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती और रात को चुपके से अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में शामिल होती है। उसके माता पिता को बाद में पता चलता है कि सारा अपने कमरे में नहीं है। डॉन को सारा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सारा को फैमिली में मौजूद एक बड़ी प्रॉब्लम मानता है। दूसरी ओर सारा पार्टी में काफी मजे करती है। पार्टी के बाद क्रिस सारा के लिए एक गाना गाता है जो उसने खुद सारा के लिए लिखा है। बाद में दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सुबह होते ही सारा अपने घर आती है और पीछे के दरवाजे से अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, पर डॉन जो रात भर से उसका इंतजार कर रहा था उसे रोकता है और इस घर में ये सब नहीं चलेगा इसकी चेतावनी देता है। हालांकि सारा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो जवाब में 18 साल की होते ही घर छोड़ने की बात करती है। सारा अपनी माँ और बहन को ग्रेजुएशन के बाद काम करते करते पूरे देश में घूमने का अपना प्लान बताती है। डॉन ये सारी बातें कमरे के बाहर से सुन रहा होता है। 3 महीनों बाद सारा का ग्रेजुएशन पूरा होता है। जब सारा अपनी माँ से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि डॉन काफी वक्त से बेसमेंट की मरम्मत कर रहा है। आयरीन के घर से बाहर जाते ही डॉन सारा को एक काम के बहाने से बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है। डॉन उसे बताता है कि ये कमरा एक बॉम्ब प्रूफ शेल्टर है जिसे इस घर के पुराने मालिक ने बनवाया था। वो धोखे से सारा को उस कमरे में बंद करता है। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर चूंकि कमरा साउंड प्रूफ है उसकी आवाज कमरे के बाहर नहीं पहुंच पाती। जब काफी रात होने के बाद भी सारा घर नहीं आती तो आयरीन डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन डॉन उसे वहां से बाहर निकालने नहीं आता। 4th दिन डॉन उस कमरे में आता है। उसके अंदर आते ही सारा उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है पर उसकी कोशिश नाकाम होती है। डॉन गुस्से में उसे उसके बालों के साथ घसीटते हुए कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब सारा उससे कहती है कि इस कमरे में वो नहीं रह सकती क्योंकि इस कमरे में हवा भी ठीक से नहीं आती, तब वो उसे बताता है कि जब भी कोई दरवाजा खोलने की 3 गलत कोशिशें करता है तब बिजली अपने आप बंद हो जाएगी और बिजली बंद होते ही कमरे के अंदर आने वाली हवा भी बंद हो जाएगी। वो आगे सारा से कहता है कि वो जब चाहे तब इस कमरे की हवा बंद कर सकता है और अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी ओर उसकी माँ और बहन पुलिस ऑफिसर को उसके बारे में जानकारी देते हैं। डॉन ऑफिसर को बताता है कि सारा को पूरे देश भर घूमना था। ऑफिसर उनसे कहते हैं कि अक्सर इस उम्र में बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं लेकिन कुछ वक्त बाद अपने आप ही घर वापस लौट आते हैं, इसलिए उन्हें कुछ वक्त तक सारा का इंतजार करना चाहिए। इतना कहकर ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस सारा की खोज खबर लेने उसके घर आता है, पर डॉन उसे सारा अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त स्टीव के साथ भाग गई है ऐसी झूठी कहानी सुनाता है। कैद को 21 दिन बीत जाते हैं और सारा का 18वां जन्मदिन आता है। डॉन केक और गिफ्ट के साथ कमरे में आता है। वो उसे गिफ्ट के तौर पर लाई हुई गाउन पहनने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो सारा को कुछ मांगने के लिए भी कहता है। जब सारा एक घड़ी की मांग करती है तो उसके बदले डॉन उसके साथ बलात्कार करता है। दिन बीतते जाते हैं। 38वें दिन जब सारा कुछ खाने के लिए एक डब्बे का ढक्कन खोलती है तो उसकी धार को देखकर उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन जब डॉन कमरे में आता है तो देखता है कि सारा पहले से ही गाउन पहने हुए उसी का इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही डॉन सारा के करीब आता है वो उस पर ढक्कन के सहारे बनाए गए हथियार से हमला करती है, लेकिन डॉन उसका हाथ पकड़ता है और उसे बुरी तरह से पिटता है। कैद का 354वां दिन है। डॉन से प्रेग्नेंट हुई सारा को लेबर पेन शुरू होता है। वो दर्द से बहुत चिल्लाती है और आखिरकार वहीं पर अपने बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम सारा मैरी रखती है। आगे भी उसके साथ यही सब होता रहता है। 4 साल बाद सारा फिर से पेट से होती है। डॉन कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसे जॉब में प्रमोशन मिला है। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जल्दी ही वे 3 लोग हो जाएंगे और ये कमरा उनके लिए अपूरा पड़ेगा, इस वजह से उन्हें इस कमरे से बाहर चले जाना चाहिए, पर डॉन नहीं मानता। चूंकि डॉन का प्रमोशन हुआ है और उसकी तनख्वाह बढ़ी है, आयरीन उसे सारा को ढूंढने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रखने के बारे में बात करती है, पर वो पहले ही हमने काफी पैसे खर्च किए हैं कहकर बात को टालने की कोशिश करता है। जब आयरीन ज्यादा जोर देती है तब डॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉन क्रिसमस पर कमरे में एक टीवी लेकर आता है।
टीवी देखकर सारा बहुत खुश होती है और वो मैरी को बताती है कि ये हमें बाहर की दुनिया से जोड़ेगी जहां डॉन रहता है। ऐसे ही और 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन मैरी की तबीयत बहुत खराब होती है, पर मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय डॉन उसे कुछ दवाइयां लाकर देता है जिन पर ये कहीं नहीं लिखा होता कि ये दवाइयां बच्चों को दी जा सकती है। रात में जब मैरी सारा को कहानी बताने के लिए कहती है तब सारा उसे अपनी ही आपबीती कहानी में तब्दील करके सुनाती है। एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस उसकी खबर लेने उसके घर आता है। उसे वहां एमी मिलती है। एमी सुनकर दंग रह जाती है जब वो उसे डॉन की बताई हुई कहानी सुनाता है। एमी उसे बताती है कि कभी कभी उसे डॉन पर शक होता है कि कहीं उसने सारा के साथ कुछ किया हो। रात को आइरीन डॉन को जवाब मांगती है कि क्यों उसने क्रिस से सारा के बारे में झूठ बोला था। इस बात पर दोनों में काफी झगड़ा होता है। इसी बीच एमी बेसमेंट की चाबियां चुराती है और बेसमेंट के अंदर सारा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉन अंदर आता है और उससे चाबियां छीन लेता है। दूसरी ओर सारा को लेबर पेन शुरू होता है। वो अपने एक और बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो थॉमस रखती है। अपनी बातों से सारा थॉमस को कमरे से बाहर ले जाने के लिए डॉन को मना लेती है। अगले दिन सुबह घर के बाहर एक बच्चा रो रहा होता है। जब आइरीन देखती है तो उसे सारा की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि ये उसका बच्चा थॉमस है। उसके और उसके बॉयफ्रेंड के पास थॉमस की देखभाल कर सके इतने पैसे नहीं है, इस वजह से वो उसे यहाँ छोड़कर जा रही है। आइरीन थॉमस को घर के अंदर लेकर जाती है। जिस बास्केट में थॉमस था उसी बास्केट में एक और चिट्ठी होती है जिस पर डॉन की नजर पड़ती है। वो चिट्ठी सारा ने छुपकर उस बास्केट में डाली थी ताकि अपनी माँ से मदद मांग सके। हालांकि चिट्ठी डॉन के हाथ लगने की वजह से सारा का प्लान सफल नहीं हो पाता। कुछ और साल गुजर जाते हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। एक दिन मैरी मेकअप करके बाहर आती है। डॉन उसे भी बुरी नजर से देखता है। ये देखकर सारा डॉन को उससे दूर रहने के लिए कहती है और मैरी को भी आज के बाद कभी भी मेकअप न करने के लिए कहती है। डॉन गुस्से में वहां से चला जाता है और कमरे के अंदर का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। एक दिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है जिस कारण कमरे की छत से पानी टपकने लगता है। सारा छत को देखती है तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आती है। वो चम्मच की सहायता से छत में एक छेद करती है और उसमें से हाथ बाहर निकालकर टॉर्च ऑन करती है ताकि किसी की उस पर नजर पड़े और वो उनकी बाहर निकलने में मदद करें। रस्ते से जा रहे एक आदमी को वो टॉर्च दिखाई देता है, पर बदकिस्मती से वो जाकर डॉन को इसके बारे में पूछता है। डॉन तुरंत बेसमेंट के अंदर जाता है और सारा को बहुत मारता है। जब मैरी उस पर चिल्लाती है तब वो कमरे में रखी मेज को फेंक कर वहां से चला जाता है। डॉन की मार की वजह से सारा के पेट में पल रहा बच्चा पेट में ही मर जाता है। डॉन उस बच्चे को लेकर जाता है और जमीन में दफनाता है। अगले दिन डॉन फिर कमरे में आता है और बच्चों को थॉमस के बारे में बताता है कि अब वो बहुत बड़ा हो गया है। अगले साल वो बेसबॉल के साथ फुटबॉल भी खेलने वाला है। इस पर माइकल भी अपनी खेलने की इच्छा जताता है, पर डॉन इसके लिए सारा को दोषी ठहराता है और कहता है कि जब वो अच्छा बर्ताव करना शुरू कर देगी तभी वो उनको वहां से बाहर निकालेगा। डॉन के वहां से जाने के बाद बच्चों और सारा के बीच झगड़ा होता है। वे उनकी कैद के लिए सारा को जिम्मेदार मानते हैं। ये बात सारा से सहन नहीं होती और वो गुस्से में कमरे का पूरा सामान फेंकने लगती है। वो फर्श पर रोते हुए क्रिस के साथ बिताए पलों को याद करती है और वही सो जाती है। मैरी और माइकल उस पर कंबल ओढ़ते हैं और फिर से कमरे को पहले की तरह कर देते हैं। बाद में सारा उन्हें उसकी कहानी बताती है। ये जानकर कि सोने से पहले उनकी माँ उन्हें जो कहानियां सुनाती थी वो सब उसकी अपनी जिंदगी का बीता हुआ कल था, उन्हें बहुत दुख होता है। सारा को कैद में लगभग 20 साल हो चुके हैं। एक दिन मैरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। सारा मैरी को अस्पताल ले जाने के लिए डॉन को जैसे तैसे मना ही लेती है। डॉन सारा को चेतावनी देता है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो माइकल इस कमरे में मर जाएगा। अस्पताल में मैरी का इलाज शुरू होता है। डॉक्टर डॉन को एक फॉर्म भरने के लिए कहती है। सारा डॉन से बाथरूम जाने के लिए पूछती है पर वो नहीं मानता। तब सारा डॉक्टर के दिए गए फॉर्म पर पानी गिराती है। डॉन दूसरा फॉर्म लेने के लिए काउंटर पर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए सारा मदद मांगने के लिए डॉक्टर से जाकर मिलती है जहां एक पुलिस अफसर भी होता है। सारा उन्हें सब बताती है। आखिरकार पुलिस डॉन को गिरफ्तार करती है और माइकल को कमरे से बाहर निकालती है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और सारा एमी और उनकी माँ उन्हें खेलते हुए देख रही है। तभी बाइक पर सवार होकर क्रिस वहां आता है। फिर वो और सारा बाहर घूमने जाते हैं। वो सारा को एक हेलमेट गिफ्ट करता है जो उसने उसके लिए 20 साल पहले खरीदा था। सारा भी उसे बताती है कि वो उसे हर दिन याद करती थी और फिर दोनों बाइक पर बैठकर घूमने निकल पड़ते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।